हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल नेटिंग गुरु जी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बचे हुए कपड़े का यूज़ करना। बचे हुए कपड़े से थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है मेरे पास, उससे मैं बनाऊँगी एक छोटा सा हैंड बैग। देखिए उसके लिए मैंने इंची टेप, कैंची और ये मेरा फैब्रिक बचा हुआ है ये लिया है। ये इसके नीचे लगाने के लिए लाइनिंग ली है, और जो ये है ये मेरा फोम का टुकड़ा है जो मैं इसमें बीच में लगाऊंगी। तो देखिए इन सामानों से मैं एक छोटा सा पर्स बनाकर तैयार करूंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो अपना फैब्रिक लिया है बचा हुआ, इसको मैं सीधा करके फैला लूँगी। इसकी जो लंबाई है, सबसे पहले हम लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई देखिए 24 इंच है। ये 23 इंच का तैयार रहेगा और एक इंच जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग में चला जाएगा। और जो इसकी चौड़ाई है वो 16 इंच है, तो ये 15 इंच तैयार रहेगी। एक इंच एक्स्ट्रा है जो सिलाई में जाएगी मार्जिन के लिए है। तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। इसी के नाप का मैंने जो है फोम सीट काटी हुई है वो भी सेम इसी साइज़ की है। और इसमें जो नीचे मैं लाइनिंग लगाऊंगी उसको भी हम सेम उसी साइज़ से काट लेंगे। देखिए इनको सीधा करके आसानी से फैला लेंगे। ये तीन पार्ट हो गए, नीचे लाइनिंग लगाएंगे, बीच में फोम लगाएंगे और फ्रंट पर हमारा सीधे वाला कपड़ा रहेगा जो हम सबसे ऊपर रखेंगे। इसके बाद इसके चारों तरफ को सिलाई लगा लेंगे और जो हमें बीच में कुल्टिंग करनी है वो कर लेंगे और बॉक्सेस बना लेंगे। देखिएगा फ्रेंड, मैंने सिलाई लगाकर अपना ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें बॉक्स बनाए हैं, आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। देखिएगा अभी मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी। देखिए ये कटिंग होने के बाद 23 इंच का रह गया है, एक इंच मेरा कम हो गया है और 15 इंच की इसकी चौड़ाई रह गई है, चौड़ाई भी एक इंच इसकी कम हो गई है कटिंग में। उसके बाद हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से, और बीच में हम निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है और दूसरी साइड भी हम इस तरह से ही डबल फोल्ड करके इसके सेंटर पर निशान लगा देंगे। अभी हमें इसमें यहाँ प्लेटिंग करनी है। देखिए हम दूसरी साइड से एक 1.5 इंच पर इस तरह कपड़ा उठाएंगे, जिस तरह हम सलवार में प्लेट देते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे और दूसरी साइड से एक दूसरे की साइड को इनका रुख रखेंगे इस तरह से, देखिए, और इसके ऊपर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से करना है। देखिए एक प्लेट हम इधर से डालेंगे और दूसरी प्लेट हम दूसरी साइड से डालेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से हो गया है हमारा पैटर्न। देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए फोल्ड कर लेने के बाद अभी हम नीचे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कोने में तो हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.5 पर नीचे से निशान लगाएंगे। और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से निशान लगाकर हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स की हमें कटिंग कर लेनी है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिएगा दूसरी साइड भी हमें इस तरह से ही अपने जो ये कपड़ा है इसको सही करके और इस कटिंग को इसके ऊपर रखकर सेम इसी तरह से काट लेंगे जैसे हमने पहले दूसरे वाले कोने को काटा है। इस तरह से ही कटिंग कर देंगे इसके ऊपर रखकर बॉक्स बनाते हुए। तरह से कटिंग हो गई है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी हम ये हमारी पट्टी है इसको लगाएंगे, हैंडल बोलते हैं जिनको, तो हम कॉर्नर से लेकर 3 इंच का निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम कॉर्नर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और अपनी इन पट्टियों को रखकर इस तरह सिलाई लगा देंगे, दोनों को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है और इन दोनों पट्टियों को हम यहाँ जॉइंट कर देंगे। दूसरी साइड भी हम इस तरह से ही पट्टी लगा देंगे दोनों साइड में। देखिए मैंने हैंडल टच कर दिए हैं, दोनों पट्टियाँ मेरी लग चुकी हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद अभी हम चैन लगाएंगे। चैन लगाने के लिए देखिए इस तरह चैन को उल्टी कर कर इस कपड़े के ऊपर यहाँ रखेंगे और सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद फोल्ड करने के लिए डबल सिलाई भी लगा देंगे। देखिएगा मैंने एक साइड से चैन टच कर ली है और ऊपर से फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड से हम इसको पलट कर पट्टियाँ हम अंदर ले लेंगे और फिर से यहाँ सिलाई लगा देंगे, इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए ये चैन लगकर मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैंने दोनों साइड में डबल पट्टी लगा ली है। देखिए अब हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे इसको और उसके बाद सीधी बराबर में एक अपनी सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। ये यह हमें यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है और दूसरी साइड भी इस तरह से ही हम सिल लेंगे। देखिएगा फ्रेंड मैंने ये यहाँ से सिलकर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए इस तरह से कॉर्नर को पकड़ते हुए हम इनको सीधा करेंगे जहाँ से हमने कटिंग की थी, और इस तरह करके हम यहाँ सीधी सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड भी इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ भी कॉर्नर पर हम सिलाई लगा देंगे सीधी। देखिएगा मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लिया है दोनों साइड में, और मेरा बैग भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस जिप को खोलेंगे और अपने बैग को सीधा करेंगे। देखिए मैंने इसमें फोम का यूज़ किया है, अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप प्लास्टिक का जो गट्टा आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आप क्या डालना चाहेंगे। मैंने ये फोम डाली है, इससे यह टाइट और खड़ा खड़ा रहेगा। देखिएगा जिप बंद करेंगे और हमारा पर्स बनकर हो चुका है रेडी। तो थोड़े से कपड़े में देखिए कितना अच्छा पर्स हमारा बन चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको आसानी से 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर देंगे। देखिए कितना प्यारा पर्स है, आप इसको मार्केट लेके जाइए, कहीं भी लेके जाइए, ये यूज़ होने जो आपका बचा हुआ कपड़ा था वो यूज़ हो गया और इसमें आपका अच्छा खासा काफ़ी सामान आ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अगर आपके घर में भी बचे हुए कपड़े पड़े हुए हैं तो आप उनका यूज़ करें और ऐसा सुंदर सा कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं